हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, सहदेव तो छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रहने वाला है, लेकिन अब तक सहदेव का छत्तीसगढ़ ही गाना क्यों नहीं आया, छत्तीसगढ़ ही एल्बम क्यों नहीं आया है? क्योंकि यार, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वायरल होकर फेमस हुए हैं, तो उनका एल्बम तो आ चुका है, लेकिन सहदेव का ही एल्बम क्यों नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ ही में? इनका मेन रीज़न क्या है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, रीज़न क्या है सहदेव का छत्तीसगढ़ी गाना क्यों नहीं आ रहा है, वजह क्या है? तो सहदेव का मेन गाना अर्थात बचपन का प्यार, जो गाना का व्यू देखा जाए तो 290 मिलियन व्यू है। जी हाँ दोस्तों, 290 मिलियन व्यू को क्रॉस कर चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 290 मिलियन देखना भाई, छोटे मोटे व्यू नहीं है। तो दोस्तों, उसका फेस वैल्यू बहुत ही बढ़ चुका है, पूरा एशिया में उनका फेस वैल्यू बढ़ चुका है। इस वजह से दोस्तों, सहदेव पूरा एशिया में फेमस हो चुका है। तो दोस्तों, मेरे को एक स्टूडियो वाले बोला कि सहदेव को गाना गाने के लिए बोलो ऐसे कर कर। तो दोस्तों, उसको किसी न किसी तरह से कॉन्टेक्ट किया। तो दोस्तों, हम उनके मैनेजर से बात किया, तो एक एल्बम का फीस कितना लोग ऐसे बोला, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बता दिया भाई। इतना मतलब कॉस्टली बताया कि उतना में तो मतलब छत्तीसगढ़ ही एल्बम 10-15 ठोक बन जाता। आप ग्रेस कर सकते हो कितना फीस मांग रहा था। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली उनका फीस, इस वजह से छत्तीसगढ़ ही गाना नहीं आया है। इनका एक ही मेन रीज़न है, और आएगा फिर भी यार उतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ के म्यूजिक डायरेक्टर या फिर छत्तीसगढ़ की म्यूजिक कंपनी वाले उतना ज़्यादा पैसा दे नहीं सकते, कोई लगाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि एल्बम हिट होगा या नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता। इस वजह से दोस्तों, छत्तीसगढ़ी गाना अब तक सहदेव का आया नहीं है। बीच में ऐसा वायरल हुआ था कि यारू साहू के साथ उनका नया गाना आएगा ऐसे करके, लेकिन दोस्तों इसी वजह से मतलब सहदेव का छत्तीसगढ़ी गाना नहीं आया है। मेन रीज़न यही है, अगर सहदेव के साथ कोई छत्तीसगढ़ी गाना बनाएगा तो उनका छत्तीसगढ़ी गाना आया ऐसे करके पूरा इंडिया भी सुनेगा, इंडिया से बाहर के लोग भी सुनेगा छत्तीसगढ़ का गाना कैसे रहता है ऐसे करके। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी रहेगा, अगर सहदेव के साथ छत्तीसगढ़ी गाना कोई बनाना भी चाहेगा तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी रहेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है ना? तो दोस्तों, यही मेन रीज़न था कि उनका फीस बहुत ही ज़्यादा हाई है, इस वजह से छत्तीसगढ़ कोई म्यूजिक डायरेक्टर उठा नहीं रहा है, अपने एल्बम में ले नहीं रहा है। तो दोस्तों, यही मेन रीज़न है।